आम तौर पर ऐसा होता है कि बीजेपी की रैली में आपको भगवा झंडे दिख रहे होते हैं, और चूंकि ये हिल्स का चुनाव है तो हिल्स का चुनाव भी काफी दिलचस्प है। आपको यहाँ भगवा झंडे के साथ साथ लाल झंडा भी दिख रहा है, और यही जो सबसे ज्यादा, मतलब अगर उस एक बड़ी परिपेक्ष में हम बात करें तो लाल झंडा आमतौर पर वामपंथ की निशानी रही है, जिससे बीजेपी की हमेशा टक्कर मानी जाती है। लेकिन दार्जिलिंग में जब आप आते हैं तो आपको आपको लाल झंडा जो है वो लगातार आपको दिखाई पड़ रहा होता है। तो और आप ये देखिए कि काफी लोग जो हैं वो इस लाल झंडे के साथ हैं, और जो यहाँ पर क्षेत्रीय दल है वो बीजेपी को जो है वो समर्थन दे रही है काफी मात्रा में। और भी लोग हैं, उनसे जरा बात करेंगे, समझेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये आपकी कौन सी पार्टी है? CPRM। ये कौन सी पार्टी है बताइए जरा, ये CPI से टूट के बनी है? ये CPM से टूटेगा। अच्छा, तो आप लोगों की तो विचारधारा पहले वामपंथ की विचारधारा रही, उसके बाद बीजेपी की विचारधारा से हर कोई परिचित है कि बीजेपी जो है उसकी एक अपनी विचारधारा रही है, वो भगवा झंडे वाली पार्टी है। तो ऐसे में यहाँ हिल्स के अंदर आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी ही आप लोगों का इंसाफ दिलवा पाएगी? बीजेपी। अच्छा, और ये जो हाल के दिनों में जो 2017 की घटना है, हर कोई उसको लेकर बात करता है कि यहाँ पर गोरखा के बच्चों की जान ले ली गई, गोली मारी गई उन्हें, वो इंसाफ अभी तक लंबित है, उसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती दिखी, इंसाफ नहीं मिलता दिखा। तो आपको उम्मीद है कि बीजेपी अगर यहाँ आती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो आप लोगों को इंसाफ मिल सकता है? मिल सकता है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकबर सामजी। आप ये बताइए कि यहाँ जो है बीजेपी से आपको कैसी उम्मीद है? मार्क्सवाद में जो अल्पसंख्यक के लिए आत्म अधिकार के लिए बात हुआ था, इसलिए हम ये CPRM हमारा छुट्टे राज्य और आत्मसम्मान, गोरखा के आत्मसम्मान के लिए एक साथ होकर लड़ रहे हैं। अमित शाह को सुना है आपने इससे पहले भी कभी? अमित शाह को सुना है कभी? अच्छा, उनको कैसे लगते हैं वो आपको? वो एक डिटरमाइन वाला है। अच्छा, जो वचन देगा वो करके देगा। इसीलिए आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ की जो मांग है, पहाड़ों की जो अपनी मांग है, उसको बीजेपी और अमित शाह पूरा, जो भी संघर्ष करना पड़ता है वो आशातीत होकर भी करना पड़ता है और मेहनत भी करना पड़ता है, इसीलिए हम सोच रहे हैं इस बार होगा जरूर, इसीलिए हम साथ में हैं। तो ये सुना आपने कि किस तरीके से अपनी एक मांग रही है, CPI से टूटकर ये पार्टी बनी, और अब जो ये दल है वो अब जो है वो बीजेपी के साथ है, उनको उम्मीद को उम्मीद है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जो गोरखाओं की मांग रही है उसको ये पूरा किया जा सकता है, उनको जो है वो उनको इंसाफ मिल सकता है, उनकी मांग मानी जा सकती है।